हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा बॉर्डर वॉल लहंगे की कटिंग किस तरीके से की जाती है, वो आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे आप नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि ये मैंने डबल कपड़ा जमा रखा है, ये कपड़ा ढाई मीटर कपड़ा है, ये डबल में 50 इंच है। इसके बाद हमें क्या करना है, कुछ इस तरीके से जमा देना है इसको, ऐसे ऐसे हमें बराबर कर देना है दोनों साइड में। इसके बाद में ये इस साइड में भी हमें ऐसे बराबर कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें बराबर कर देना है। इसके बाद में एक और फोल्ड करना है कपड़े को, ताकि जो हमारे कली है वो आड़ हो जाए। इसके बाद हमें कुछ इस तरीके से डबल कर देना है। कुछ कपड़े में तो खाली नीचे नीचे बॉर्डर आता है, और कुछ कपड़े में पूरे कपड़े में बॉर्डर आता है। तो इस कपड़े में पूरे कपड़े में बॉर्डर है, इसलिए मैंने इसको इस तरीके से कटिंग की। नहीं तो नॉर्मल सूट कट करते हैं, उस वैसे हम कट कर सकते थे। इसके बाद हमें क्या करना है, नीचे से जो किनारी है उसको हमें कट कर देना है, और यहाँ से भी हम बराबर कर देंगे। इस तरीके से हम किनारी को कट कर लेते हैं। इसके बाद में हमें जितनी हमें लहंगे की लंबाई है उससे 2.5 इंच कम कट कर देना है। तो जैसे कि इसकी जो लहंगे की लंबाई है वो 40 इंच है, तो हमें 37.5 इंच पे कट कर देना है, 2.5 इंच कम कर देना है। तो 37.5 इंच पे हमें निशान लगा देना है कुछ इस तरीके से। इसके बाद में हम कट कर देंगे, ऐसे हम कट कर सकते हैं। इसके बाद में जो ये कपड़ा है, आप चाहे तो इसकी मगजी बना सकते हैं, और अलग से कपड़ा हो तो उससे भी आप बना सकते हैं। मेरे जो कपड़ा है वो एक्स्ट्रा है, उससे मुझे मगजी बनानी है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से 6 इंच पे निशान लगाना है दोनों साइड। 20 सेंटर में हम निशान रख दें, 6 इंच 20 सेंटर रख देना है। ये कमर के हिसाब से होता है, इसमें जो सीना है वो 32 इंच है, वो कमर है 29 इंच। इसके हिसाब से यहाँ पे 6 इंच पे निशान लगाया गया है। इसके बाद में कुछ इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए यहाँ पे दोनों साइड में हमें निशान लगा देना है, ऐसे में नीचे तक, नीचे से थोड़ा ऊपर ऐसे मिला देना है, और इसके बाद में इसको ऐसे कट कर देना है। इस तरीके से हमें दोनों साइड में भी कट कर देना है। ये देखिए, इस तरीके से आप आसानी से बॉर्डर वाले लहंगे की कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये हमारे 8 कलियां हो गई है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से ये कलियां हैं। ये देखिए, बाद में इसको इस तरीके से जॉइंट हो जाएगा आपस में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।